दूध पियोगे तो ताकतवर बनोगे, दूध पियोगे तो हड्डी मजबूत होगा, ऐसे काफी सारे चीज हम बचपन से सुनते आए है ना। क्योंकि एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग दूध एक अच्छा हेल्थ ड्रिंक है, लेकिन आज के टाइम पे लगभग सभी को लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द गूगल 1/3 ऑफ इंडियंस आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और इसीलिए आज मैं दूध के साथ मिल्क को कंपैरिजन करूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा मतलब सोया मिल्क को होल मिल्क के साथ कंपैरिजन करूंगा, देखेंगे किसमें कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल का केसेस में कौन सा मिल्क अच्छा रहेगा, थायराइड में किसको अवॉइड करना चाहिए, हार्ट का प्रॉब्लम है तो कौन सा अच्छा रहेगा, मतलब आपका हेल्थ का कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा मिल्क अच्छा रहेगा, इस वीडियो में वो सब क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स गो इनटू द टॉपिक। आज मैं जो कंपैरिजन करूंगा, जो डेटा मैं दिखाऊंगा वो USDA एंड NIH से लिया गया है, एंड क्वांटिटी रहेगा 1 कप सोया मिल्क वर्सेस 1 कप होल मिल्क। 1 कप मींस 244 ग्राम्स। ओके, कैलोरीज की बात करें तो लगभग सेम ही है, थोड़ा ज्यादा मिलता है होल मिल्क में 142 किलो कैलोरी, क्योंकि इसमें सोया मिल्क के कंपैरिजन में शुगर एंड टोटल फैट ज्यादा रहता है, इंक्लूडिंग सैचुरेटेड फैट एंड मूफा एंड पूफा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा हाई कंडीशन में है और किसी का अगर हार्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस मामले में सोया मिल्क अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि सोया मिल्क में सैचुरेटेड फैट कम है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। और आप ये शायद जानते होंगे कि सैचुरेटेड फैट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, मूफा एंड फूफा सेफ है हमारे लिए, अच्छा है। प्रोटीन दोनों में लगभग सेम ही मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी सेम मिलता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल होल मिल्क में होता है जो कि सोया मिल्क में नहीं होता है। सो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है और हार्ट का बीमारी है तो होल मिल्क को अवॉइड करना होगा आपको। सोया मिल्क इस मामले में बेटर रहेगा, क्योंकि डायटरी फाइबर जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है वो सोया मिल्क में रहता है लेकिन होल मिल्क में नहीं होता है। एंड विटामिन की बात करें तो विटामिन ए विटामिन ई सेम मिलता है दोनों में ही, विटामिन के ज़्यादा मिलता है सोया मिल्क में, एंड विटामिन डी होल मिल्क में मिलता है जो कि सोया मिल्क में नहीं होता है। ये एक प्लस पॉइंट है होल मिल्क का। इसका भी सॉल्यूशन है, वो आगे बताऊंगा आपको, तो वीडियो को एंड तक देखना। बी विटामिन्स की बात करें तो आप देख रहे हो कि लगभग सेम मिलता है, नियासिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है सोया मिल्क में, पेंटाथोनिक एसिड सोया मिल्क में नहीं होता है, एंड कोलिन जिसको हम B4 भी कहते हैं, विटामिन B4 बोलता है, तो वो ज़्यादा मिलता है सोया मिल्क में। मिनरल्स की बात करें तो सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन इस सभी मामले में थोड़ा आगे निकल जाता है सोया मिल्क, हरस पोटेशियम फॉस्फोरस सेलेनियम जिंक होल मिल्क में ज़्यादा मिलता है, एंड कॉपर सोया मिल्क में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू होल मिल्क। ओमेगा फैटी एसिड की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड तो सेम ही मिलता है दोनों में ही, लेकिन ओमेगा 6 सोया मिल्क में थोड़ा ज़्यादा है, एंड पानी दोनों में ही लगभग सेम मिलता है। तो सेम टाइम के लिए अगर आप बॉयल करोगे सेम टेम्परेचर पर, तो बॉयल करने के बाद 1 कप सोया मिल्क एंड 1 कप होल मिल्क का जो डिफरेंस है वो लगभग सेम ही रहेगा जो मैं बताया आपको। सोया मिल्क में जो विटामिन डी एंड अदर न्यूट्रिएंट का कमी है वो आप फोर्टिफाइड सोया मिल्क लेके सॉल्व कर सकते हो, मार्केट में और ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको, वो आप ले सकते हो, बट इंग्रेडिएंट्स चेक करके लेना कहीं उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर मसाला हार्मफुल प्रिजर्वेटिव एंड शुगर ना रहे, तो वो ज़्यादा मतलब अनहेल्दी हो जाएगा है ना, तो इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर चेक करके लेना। लेकिन अगर आपको जानना है कि इन दोनों मिल्क से ज़्यादा कैल्शियम ज़्यादा आयरन ज़्यादा प्रोटीन एक सीड में मिलता है एक बीज में मिलता है, तो ये कंपैरिजन वीडियो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। रुको रुको, पहले एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है, वो सुन के जाओ कि थायराइड का प्रॉब्लम अगर किसी का है तो सोया मिल्क को अवॉइड करना, क्योंकि सोया मिल्क में गोइट्रोजेनिक कंपाउंड रहता है। सोया चंक आप ले सकते हो कुकिंग करके, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, डेली नहीं लेना है। ये दोनों वीडियो आप एक बार देख लो, सब क्लियर हो जाएगा अगर आपका थायराइड है तो। इसका लिंक भी आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके देना ऐसे और कंपैरिजन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।